अहम खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौका गुजार किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद केस बनाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त के हतमी फैसले तक अबूरी जमानत पर रिहा किया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील, बताइएगा इस दरख्वास्त का मतन क्या है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। अमजद परवेज एडवोकेट की वसादत से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम की बेटी हैं। नवाज शरीफ ने मुल्की तरक्की के लिए बहुत इकदाम किए और हमारा खानदान सियासी तारीख का हामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद केस बनाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के कानून के गलत इस्तेमाल की तशरीह करके गिरफ्तार किया गया है। पनामा लीक्स केस में तमाम जायदादें और असासे डिक्लेयर किए गए थे। इसी जमानत पर रहाई की दरख्वास्त के हतमी फैसले तक अबूरी जमानत पर रिहा किया जाए। और दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि चौधरी शुगर मिल रेफरेंस में लॉन्ड्रिंग केस में भी जमानत मंजूर की जाए। जी बहुत शुक्रिया शकील सईद, इस मुतल्लिक आपने हमें अपडेट किया।